फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ व्रत की थाली की रेसिपी लेकर के आई हूं। आप इस व्रत की थाली को किसी भी व्रत में खा सकते हैं, जन्माष्टमी में, करवा चौथ में, गणेश चतुर्थी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थाली। तो थाली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस थाली में मैंने क्या क्या बनाया है। तो इस थाली में सबसे पहले मैंने बनाया है जीरा आलू, उसके साथ मैंने मूँगफली को भून करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने आलू का हलवा बनाया है, साबूदाने की खीर बनाई है जो कि किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और सबसे स्पेशल बनाया है मैंने समा के जो चावल होते हैं उसके आटे की पराठा। तो पराठा जो होता है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और समा का जो चावल है वो हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पराठे आप व्रत में खा सकते हैं। कुट्टू की कचौरी के अलावा आप, ये एक न्यू रेसिपी है, इसे आप व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थाली। थाली में सबसे पहले हम बनाएंगे आलू का हलवा। तो आलू का हलवा बनाने से पहले सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं और फिर इसी पैन में हम आलू का हलवा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है घी, और घी में हम डालेंगे मूंगफली, और मूंगफली को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना आलू का हलवा। कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे एक चम्मच शुद्ध देसी घी। यहाँ पर जितने भी हम रेसिपी बना रहे हैं सब घी में ही बनाएंगे, क्योंकि व्रत वाली रेसिपी जो होती है वो घी में ही बनाई जाती है। तो घी को अब हम मेल्ट होने देते हैं। अब हम उबला हुआ आलू, ये देखिए मैंने उबला हुआ आलू यहाँ पे लिया है, उबले हुए आलू को मेल्ट करके डालेंगे। आलू का जो हलवा होता है वो उबले हुए आलू और कच्चे आलू दोनों तरीके से बनाया जाता है। तो आज मैं आपको उबले हुए आलू का हलवा बना करके बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कच्चे आलू का हलवा भी आपको बताऊं, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो सभी आलू को हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई आपको आलू को उतना करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता है, क्योंकि आलू के अंदर एक कसैलापन रहता है जिसे बोलते हैं कच्चापन। तो उस कसेलेपन को निकालना आलू के हलवा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक वो कच्चापन नहीं निकलेगा तब तक जो आपका आलू का हलवा है वो बन करके टेस्टी नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि हाँ कलर की वजह से इसे मैं थोड़ा सा कम मतलब भूनती हूँ तो इसका कलर ज़्यादा बढ़िया होगा, तो कलर तो बढ़िया हो जाएगा आपके हलवे का, लेकिन टेस्ट जो है वो उतना बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसे बिल्कुल अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए अब जो आलू का रंग है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर धीरे धीरे ये हल्की सी गोल्डन कलर की होने लगी है, ये देखिए। तो अब हम थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी के साथ भी हम इसे हल्का सा भूनेंगे, इसलिए पहले हम चीनी ऐड करेंगे फिर इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं हल्का ही चीनी दे रही हूँ, क्योंकि आलू का जो हलवा होता है वो ज़्यादा मीठा पसंद नहीं आता किसी को, तो ज़्यादा मीठा इसे ना करें, क्योंकि ज़्यादा मीठा करने के बाद आलू का जो टेस्ट है वो बिल्कुल गायब हो जाता है और हलवा जो है सिर्फ मीठा मीठा लगता है। तो इसमें हम आलू का हलवा बना रहे हैं तो आलू का जो टेस्ट है वो भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर कम ही चीनी आप ऐड कीजिए। तो इसमें अब थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मेरे पास काजू पड़े हैं, तो काजू को छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया है, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों तो आप उसे इसमें डाल सकते हैं। अब हम एक से दो मिनट इसे फिर से भूनेंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने कहा आलू के हलवा को आप जितना ज़्यादा भूनिएगा वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए एक से दो मिनट हो चुके हैं, और अब जो हमारा आलू का हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो अब हम बना लेते हैं साबूदाने की खीर, जो कि व्रत में सभी लोग खाते हैं और अच्छा भी लगता है खाने में, थोड़ा सा लाइट भी होता है। तो हम साबूदाने की खीर बनाएंगे। साबूदाना खीर बनाने के लिए यहाँ पर दूध को मैंने उबलने के लिए डाला हुआ है, और ये देखिए हमारी जो दूध है वो गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। तो साबूदाने को मैंने पहले से भिंगो करके रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि इसके जो दाने होते हैं जब आप खीर बनाएंगे तो अलग अलग रहेंगे, इसलिए साबूदाने को पहले से ही धो करके आप लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भिंगो दें। यहाँ पर मैं छोटे साइज के साबूदाने इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो खीर होती है बहुत ही अच्छी रावड़ी की तरह बनती है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है ये दूध में। लेकिन अगर आपको छोटे या बड़े जो भी साबूदाना पसंद हो यहाँ पर आप वो साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साबूदाने को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये दूध जो है उसके पेंदी में सटे नहीं साबूदाना,
और बीच बीच में इसे चलाते हुए हम 15 से 20 मिनट कुक करेंगे और 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो इसे हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट कुक करना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो साबूदाना है वो पका है कि नहीं। तो 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा जो साबूदाना है वो कुक हो चुका है और दूध भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है क्योंकि जब खीर ठंडी होगी तो वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 100 ग्राम मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 लीटर दूध और 100 ग्राम ही साबूदाना मैंने इस्तेमाल किया है। चीनी को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और ना चाहे तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए चीनी जो है वो अच्छे से अब मेल्ट हो चुकी है और इसी के साथ हमारी जो साबूदाने की खीर है वो भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे जीरा आलू जो कि व्रत में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार भी हो जाती है। व्रत वाले जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को मैंने पिघला करके रख लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं साबुत लाल मिर्च। तो अगर आप साबुत लाल मिर्च व्रत में नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। हमारे यहाँ खाया जाता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। और जीरा आलू में साबुत लाल मिर्च होते हैं उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया आता है इसलिए भी मैं डालती हूँ। तो आप स्किप कर दें या फिर आप डाल के बनाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और व्रत में खाए जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू को यहाँ पर मैंने उबाल करके रखा हुआ है, जल्दी से बन जाएगी हमारी सब्जी। अब हम इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे व्रत वाला नमक यानी कि रॉक साल्ट और 1/4 जीरा का पाउडर। जीरा का पाउडर जरूर ऐड कीजिए जीरा की सब्जी में, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में। अब हम इसे भून लेते हैं। 1 मिनट हम इसे पका लेंगे ताकि जीरा का फ्लेवर और नमक का जो टेस्ट है वो आलू के अंदर चला जाए। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलू को हल्का हल्का सा मैश कर देंगे ताकि जो सब्जी है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए। अभी तो थोड़ी सी अलग अलग है। और ये देखिए इसी के साथ हमारे जो व्रत वाले जीरा आलू की सब्जी है, बहुत ही सिंपल सब्जी रहती है ये, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और अच्छी भी लगती है खाने में, हल्की सी लाइट होती है। तो व्रत में ज़्यादा सो ऑयली वगैरह तो हम ऐसे भी नहीं खाते हैं। तो ये सब्जी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है व्रत के लिए। तो अब हम बनाएंगे थाली की लास्ट रेसिपी जो कि मैं बनाने वाली हूँ समा के जो चावल होते हैं उसे मैंने आटा पिसवा करके रखा हुआ है क्योंकि सावन का महीना पूरा 1 महीने का रहता है सावन जो होता है सो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पिसवा के रखा हुआ है समा का चावल। और उसके अब हम पराठे बनाएंगे। समा का जो चावल होता है उसका आटा मैंने यहाँ पे पिसवा लिया हुआ है। अब हम इसमें 1 आलू डालेंगे, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और जब हम इसके पराठे बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके साथ हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक यानी कि रॉक साल्ट। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हल्का हल्का गुनगुना पानी देकर के यहाँ पे आटा को गूंद लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको आटे को गूंदने के लिए गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना है। नॉर्मल जो वाटर होता है वो यहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो समा का चावल का जो आटा है वो लस नहीं पकड़ेगा और आप इसके जो पराठे हैं वो अच्छे से बेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे गुनगुना पानी ही इस्तेमाल कीजिए। और ये देखिए आटा जो हमारा है वो रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा मैं और गूंद ले रही हूँ। तो यहाँ पर आटा हमारा रेडी है। तो अब हम इसके पराठे बेल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा मैंने ले लिया है, आसानी होगी पराठों को बेलने में। और यहाँ पे हम आटा लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। यहाँ पे आप पराठे अपने पसंद के अनुसार किसी भी शेप में बेल सकते हैं।
हम इसे इस तरीके से मोड़ देते हैं। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। मोटा या फिर पतला जैसा आप खाना चाहें वैसा आप बेलें। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मोटा ही बेल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से मैं इसे सेक लूँगी तो ये खूब अच्छे से क्रंची हो जाएगी और क्रंची होने के बाद खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए बहुत अच्छा शेप आया है इसका और अब हम इसे सेक लेते हैं। इसी तरीके से सारे पराठे को यहाँ पर आपको बेल करके तैयार कर लेना है। अभी हमारा गर्म हो चुका है, अब तवा पर हम अपने पराठे को डालेंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। एक बार फिर से हम इसे पलट लेंगे और ये देखिए अभी अच्छे से सिक रही है। अब इसके ऊपर घी लगा लेंगे। व्रत में तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे पराठे में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे बड़े भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से दबा लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो पराठा है सो। और इसी के साथ हमारी जो थाली की रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम कर लेते हैं थाली की प्लेटिंग। देखिए हमारी जो व्रत की थाली है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। और आप लोगों को अगर मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स टेक केयर एंड गुड बाय, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।